बहुत ही भाई खुशगवार एहसास है इस वक्त ये मुझको। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में। अभी असर की नमाज़ ख़त्म हुई है और असर की नमाज़ जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही फौरन अफ्तारी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मनाज़र है और आज हमें एक और दोस्त से मिलना है अपने, जिनसे मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पर भी वहाँ ज़रा जो मस्जिद के अंदर अफ्तारी का निज़ाम हो रहा होता है, सिलसिला चल रहा होता है, उसको देखेंगे, मस्जिद में अफ्तारी करेंगे और ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। ये देखिए हाँ माशाल्लाह, ये अभी से अफ्तारी का माहौल बनना शुरू हो गया है सारा। अभी अफ्तारी में तकरीबन 3-2.5 घंटे बाकी हैं, लेकिन ये सब माशाल्लाह से अफ्तारी का निज़ाम जो है वो शुरू हो गया है बनना। और जो हमारे दोस्त बैठे हैं वो बैठे हैं दरवाजे के उस तरफ, तो यहाँ से मैं ज़रा चलता हुआ जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है और फिर उनसे मुलाकात करते हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये जो खुब्ज़ होती है रोटी, ये इफ्तार में दी जाती है, ये सारे पैक होके आ गए हैं अभी। और यहाँ पे भी ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये देखें ये रोटियाँ जो है निकाली जा रही हैं, इनकी सेटिंग की जा रही है। ये सारे मुंतज़मीन यहाँ पर मौजूद हैं और ये इफ्तारी का सारा सिनेरियो बनना शुरू हो गया है। इस तरह से सारे दस्तरखान अभी लग जाएंगे और अभी मस्जिद खाली है क्योंकि अभी असर की नमाज़ हुई है तो मस्जिद से लोग नमाज़ पढ़ के चले गए हैं, लेकिन जैसे ही एक घंटा तकरीबन रह जाता है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और अभी से ये सारा सिलसिला जो है ना ये सब कुछ शुरू हो जाता है मस्जिद में। लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे, देखें ये अभी दस्तरखान लग भी गए हैं यहाँ पर, ये ऑलरेडी यहाँ पे दस्तरखान लगा दिए गए हैं और ये बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर ये सारा सिलसिला होता है इफ्तारी का। ये लंबे लंबे दस्तरखान जो है वो माशाल्लाह लग चुके हैं, ये आप देखिए सारा सिलसिला जो है वो इफ्तारी के लिए तैयारियाँ हो रही हैं माशाल्लाह। गेट नंबर 21 पे है वो भाई हमारे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्तफ़ा भाई? खैरियत से हैं आप? ठीक है, मज़े में है भाई। ये है हमारे दोस्त मुस्तफ़ा अनीर, जिनका मैंने भी आपको बताया, जिनको आप माशाल्लाह देख चुके होंगे। बहुत अरसे से हमारा सही चल रहा था कि मुलाकात का सिलसिला कुछ बने, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुबारक सरजमीन पे, इस मुबारक जगह पे हमारी मुलाकात लिखी हुई थी, क्योंकि माशाल्लाह जो मुस्तफ़ा अनीर भाई है वो एक अच्छे व्लागर तो हैं ही, लेकिन साथ में बहुत नेक आदमी भी है, क्योंकि ये बहुत चैरिटी वाले काम भी करते रहते हैं भाई। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके माशाल्लाह। और अभी इफ्तार का सीन बनेगा यहाँ पे, बिल्कुल आप दिखाएंगे हम कि माशाल्लाह मस्जिद नबवी में क्या क्या प्रिपरेशन होती है, क्या इफ्तार की तैयारी होती है। बिल्कुल अंदर से मैं अभी देखता हुआ आया हूँ, अंदर ही थोड़ा माहौल बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल चले चले भाई, ये मुस्तफ़ा भाई के साथ मौजूद है इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? इब्राहिम भाई जो है ना माशाल्लाह मदीना के अंदर जो है वो इनकी पैदाइश मदीने की। अरे माशाल्लाह जबरदस्त, जिंदगी मदीने में गुजर गई है और ये यहाँ पे माशाल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर इफ्तार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वाह वाह वाह, यहाँ पे ये सफरा बिछाते हैं और ये देखें ये सारी तैयारियाँ इफ्तार की। बिल्कुल बिल्कुल, कितने टाइम से आप सफरा कर रहे हैं? माशाल्लाह 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल कोविड के निकाल के 10 साल। आप वैसे पाकिस्तान से हैं या? जी वालदैन पाकिस्तान के थे, हमारी पैदाइश है। अच्छा, क्या बात है भाई, भाई बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि माशाल्लाह यहाँ पे इफ्तार के साथ हमें भी आप मौका दीजिएगा, हम भी थोड़े दस्तरखान वगैरह बिछाएं, हमारा भी हिस्सा लगवा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इससे बड़ी तो वीडियो तो बनती रहेगी, दस्तरखान लगाने का मौका कहाँ मिलता है। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह क्या सीन बनता है, 5-10 मिनट इंशाल्लाह सब तैयार हो जाएगा। ठंडी ठंडी बोतलें भी आ गई हैं पानी की और इनके अंदर अभी कुछ कुछ में बर्फ़ भी हुई हुई है, तो जब तक इफ्तार का टाइम होगा जब तक ये नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अभी सारी चीज़ें आ गई हैं, सेटिंग हो रही है। इब्राहिम भाई ने हमें बताया कि भाई इस तरह से होता है कि जैसे ये 6-6 कारपेट्स हैं ना, तो इस तरह से ये एलोकेट हुए हुए होते हैं और पूरा इसका परमिट वगैरह भी होता है कि भाई आपके दस्तरखान पर कितने लोग बैठेंगे। तो उनके इब्राहिम भाई के दस्तरखान पर 182 लोग हैं, 182, और वहाँ पर भी जो है हमें नज़र आ रहा है कि दस्तरखान लग गए हैं और इस तरह से ये सिलसिला होता है।
और अभी जो है ना ये यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं मुस्तफ़ा भाई जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें सामने लाइन से जो है ना 6-7 ट्रक खड़े हुए हैं और जो जो लोग इफ्तारी करा रहे होते हैं ना वो यहीं से परचेज कर रहे होते हैं और ये कंपनी के ट्रक खड़े हैं, ये सारा सामान आपको डिलीवर कर रहे होते हैं आपके सफरे में। ये सिलसिला है, देखें वो ट्रॉलियों के अंदर भी आ रहा है, करीब से चल के देखते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइज काम हो रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त यार। ये देखें आप, ये जो है ना ये यहाँ से परचेजिंग हो रही है इस तरह ट्रॉलियों के अंदर, ये अंदर जाते जा रहे हैं बाकायदा, ये सारा सामान यहाँ पे पैक होके आया हुआ है और ये जो जो लोगों ने अपने सफरे लगाए हुए हैं, दस्तरखान लगाए हुए हैं, वो यहाँ से परचेज़ करते हैं, ट्रॉली में रखते हैं और फिर वो इस तरह से अंदर चला जाता है। ये देखिए लाइन से यहाँ पे ट्रक्स लगे हुए हैं, इन ट्रक्स के अंदर ही सारा सामान आता है और जिस जिसका सफरा होता है, जिस जिसका दस्तरखान होता है, वो ख़रीदता जाता है और सामान लेता जाता है। ये होता है सिलसिला। काफ़ी सारी तब्दीलियां भी हो गई हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेंटर में जो है ना, पहले वो एक क्लॉक टावर चौरंगी थी जिसके ऊपर एक क्लॉक टावर छोटा सा बना हुआ था, वो बड़ा आइकॉनिक था क्योंकि वो सीधा यहाँ से जो है ना वो उसके साथ बड़ा अच्छा वो आता था, लेकिन वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है अब और थ्रू आउट बस टाइल्स लगा दिए। अच्छा, ये मेरा रमज़ान में फर्स्ट टाइम घूमरा है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है रमज़ान में। रमज़ान में मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि रमज़ान में जो है ना वो जाऊँ मदीना और मक्का की ज़्यारत करूँ, तो अल्लाह ताला ने वो इस रमज़ान पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार जो आता है ना यहाँ पे, जब वो एक बार आ जाता है इंसान तो फिर उसको बार बार लगन लगी रहती है कि भाई बार बार जाए, बार बार जाए। सबसे मुश्किल घड़ी तो ये है कि जब आप और मैं भी यहाँ से मदीने से जो रुख्सत होंगे ना, वो जो दिल पूरा जो है ना इतना उदास हो जाता है। सही बात है। ये देखें माशाल्लाह ज़िया तबारक भाई जो है वो मस्जिद नबी के सहन में माशाल्लाह सफरा बिछा रहे हैं ताकि लोगों को इफ्तार कराया जाएगा इस सफरे के ऊपर। और यहाँ पे इस तरह जो है ना अरब ममालिक में ज़्यादातर ये प्लास्टिक का जो है ना दस्तरखान होता है डिस्पोजेबल टाइप का, इसको सफरा कहा जाता है और यही बिछाया जाता है। घरों के अंदर भी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, ज़्यादातर यही बिछाते हैं, इसी के ऊपर खाना खाते हैं और इसी को रैप करके फिर जो है वो डिस्पोज कर देते हैं। दस्तरखान लगाने का मौका मिल जाए भाई तो ये भी सआदत की बात है। बिल्कुल। ये एक मैं डबल फोल्ड होता है, इसको खोल लिया और इसको ऐसे जो है ना कारपेट के नीचे फंसा देंगे ताकि अभी हवा से उड़े ना। हम खोलेंगे ना यार, सिर्फ टेप को काटना है, कार्टून को नहीं काटना। कार्टून को नहीं काटना, तरतीब से रखने चाहिए। ये दस्तरखान पे रखी जाएंगे। इधर नहीं, इधर सामने, इसके सामने, सामने इसके सामने, वो आदमी बैठा है इसके सामने। बहुत ही भाई खुशगवार एहसास है इस वक्त ये मुझको। ये दोनों लाइन आज जो है वो मस्जिद नबी में इफ्तार का अरेंजमेंट करने का मौका भी मिल गया और अल्लाह ताला इसको भी कबूल फरमाए। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये। ये देखें भाई ठंडी ठंडी पानी की बोतलें हैं बिल्कुल चिल्ड और ज़िया भाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इब्राहिम भाई लगाते हैं दस्तरखान माशाल्लाह और अपनी सरबराही में ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। ये एक पार्सल है, इस पार्सल में
एक दही है सही, सात खजूरें हैं सही, एक जमजम है सही, एक चम्मच है, ये टिशू है और इसको दुग्गा कहते हैं। अच्छा ये दुग्गा क्या है? मैं कल भी देख रहा था। पहले तो काफी चीजें होती थी बाहर, जैसे लोगों ने ये कंपनी को दे दी अभी। अच्छा, हम खुद लेके आते थे, सब कुछ खुद करते थे, वरना उसमें मुख्तलिफ आइटम्स होते थे, चावल भी होते थे, कुछ इस तरह की चीजें होती थी। अच्छा, लेकिन ये हरम के अंदर ये है, हरम के बाहर तो मुख्तलिफ चीजें होती है, बाउंड्री के बाहर सब कुछ होता है। हाँ, बाउंड्री के बाहर सब कुछ, ये हरम में और हरम के अंदर सिर्फ ये है। एक तरह से सही भी है की सफाई वगैरह के लिए भी आसानी है, क्योंकि हर साल ना यहाँ पे बहुत मगरब के बाद बहुत गंदगी हो जाती है, खाने में सही बात है, सफाई भी हो जाती है। ये है भी पूरा मील है, ये दही और रोटी खजूर पूरा, मतलब एक है। हम लस्सी भी रख देते हैं, लबन जो होता है, पानी की बोतलें अलग एक्स्ट्रा भी रख देते हैं, क्योंकि एक बोतल का भी नहीं होता ना। सही छतरियाँ भी बंद हो रही है भाई। बंदा बिठाएंगे, एक बंदा की जगह है ना, एक बंदा आ जाए। स्टार व्यवस्था अभी चंद लम्बे ही रह गए हैं, सूरज गुरूब होने वाला है और अभी आप रश देखें पूरा जो है ना, ये सारे दस्तरखान लग चुके हैं पूरी मस्जिद में, मस्जिद के बाहर आसपास हर तरफ, और रोज़ा खुलने का एक बहुत ही रूह परवर मंजर जो है वो हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी थोड़ी देर में रोज़ा खुलने वाला है, रोज़ा खुलते हैं, इफ्तार करते हैं, क्या बात है। ये देखें जी, हमारी इफ्तारी रखी हुई है, ये पैकेट है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, यही काफ़ी होता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ एक्स्ट्रा आइटम भी हैं। ये एक डोनट टाइप का है, बिस्किट मेरे ख्याल में, यहाँ पे ये खजूरें हैं, साथ में ये आ गई लस्सी लबन, और एक ये जूस। ज़बरदस्त इफ्तारी हो गई है, और ये सामने आप देखें माशाल्लाह। मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह, ये जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, और इस चीज़ के अंदर ख़ास तौर पे मैं क्रेडिट दूंगा मुस्तफ़ा भाई को, उनके साथ मेरी मुलाकात जो है वो तय थी, लेकिन ये सब कुछ जो है ये इब्राहिम भाई इनके जान पहचान के हैं, और मेरी इनसे मुलाकात हुई, इनके थ्रू ये हुआ, ये तो सब सिलसिले बनते हैं ये, और यही होता है कि एक दूसरे से बंदा कनेक्ट होता है तो सिलसिले बनते जाते हैं, और क्या बात है भाई, जज़ाक अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गई है भाई, और अब हम जा रहे हैं मुस्तफ़ा भाई के साथ और इब्राहिम भाई के साथ जरा खाना खाने। इब्राहिम भाई हमको लेकर आए हैं फूड मास्टर पे, हैं जी। इब्राहिम भाई क्या इसका सबसे अच्छा क्या है? स्पेशल मखनी दाल। मखनी दाल जो कि पाकिस्तानी खाना है ये? जी बिल्कुल पाकिस्तानी खाना है यहाँ पे फूड मास्टर के ऊपर। अभी इफ्तार कराते ही कराते इब्राहिम भाई ने कहा कि भाई इफ्तार तो हो गई, आप लोग खाना खाएं चल के। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। सबको पहचानते इब्राहिम भाई की रिकमेंडेशन है मखनी दाल। मखनी दाल तो जो है वो हम लाजमी खाएंगे, क्योंकि इतनी तारीफ की है इब्राहिम भाई ने, और बाकी जो है ना, हम मेरे ख्याल से जिनका रेस्टोरेंट उनसे पूछते हैं आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो जो है ना हम वो चीज़ें भी जो है। उनसे जाके पूछ रहे थे, अच्छा हम इब्राहिम भाई के साथ आए, उन्होंने बोला यहाँ की मखनी दाल बहुत अच्छी है,
सही है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या रिकमेंडेड है? जो आप रेकमेंड करेंगे हम वो टेस्ट करेंगे। सिंगापुरी राइस करें। सिंगापुरी राइस करें। बिरयानी कैसी आपकी? एक हफ्ता हो गया हमने बिरयानी नहीं खाई। बस तो मतलब जो कराची में छोड़ के आए ना वो यहाँ मिल जाएगा। क्या बात है, जो बिरयानी में मिस करके आए ना। हाँ, ये भाई जो है ये कराची में होते हैं और निजामुद्दीन अंसारी लियाकताबाद में कबाब वाले हैं, बहुत पुराने, वो इन्हीं का है। कैसे हैं? ठीक है। अरे थैंक यू, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। आप लोग कहाँ से? इंडिया से। यूके से? आप इंडिया से? अरे वाह, कौन सी सिटी से? गुजरात से? राजस्थान से। अरे भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खाना आ गया भाई, रोटी, गरम गरम नान, बिरयानी, दाल और सिंगापुरियन राइस इनकी रिकमेंडेशन पे वो भी आ रहा है। मखनी दाल, मखनी दाल, मखनी दाल, इब्राहिम भाई की फेवरेट मखनी दाल। इब्राहिम भाई शुरू करें ना। बिस्मिल्लाह, देखें आपको बहुत फेवरेट लग रही है, जिस प्यार से आप इसको इसी दाल के लिए यहाँ पे सिर्फ जिस प्यार से आप दाल का चमचा निकाल निकाल रहे हैं ना, उससे लग रहा है कि आपकी फेवरेट है ये। निकालें सो भाई, बिरयानी निकालें, बिस्मिल्लाह करें। ज़बरदस्त, मैं ज़रा दाल से बिस्मिल्लाह करूं पहले, क्योंकि जिस चाव से इब्राहिम भाई ने दाल निकाली है और रिकमेंड की है, तो भाई सबसे पहले दाल ट्राई करना बनता है। मखनी दाल बनती है ना? मखनी दाल इब्राहिम भाई, मखनी दाल बनती है ना? दाल बहुत ज़बरदस्त है यार। सच्ची बात यह है कि ऐसी दाल जो है, अभी हालांकि प्रदेश में आप दो तीन दिन में रहे ना, तो लगता है कि बहुत दिन हो गए आपको रहे हुए, तो ये जो है ना अपनी जायकेदार दाल है और वाकई बहुत लाजवाब है, नो डाउट। ज़रा बिरयानी चेक करूँ मैं भी, भाई बड़ी तारीफ़ें की हैं मुस्तफ़ा भाई ने बिरयानी की, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, बात बन गई भाई, इब्राहिम भाई सही जगह पर लेके आए हैं, नो डाउट। बिरयानी में जो है ना, असल में बिरयानी मशहूर है कराची की, और इसके अंदर जो है ना कराची वाला, वो जो निजामुद्दीन कबाब वाले भाई यहाँ खड़े हैं ना, तो उससे पता लग गया कि ये जो है ना रेस्टोरेंट, हाँ, क्योंकि निजामुद्दीन वाले जो कबाब है, वो बंदा जब यहाँ खड़ा है तो समझो के बात बन गई। भाई इफ्तार भी हमने अच्छी खासी ठीक ठाक की थी, और बिरयानी और दाल भी माशाल्लाह खा ली है, पेट फुल हो गया है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त लग रहा है सिंगापुरियन राइस के, थोड़ा सा ट्राई करना तो बनता है। काफ़ी सारा इसमें जो है ना सॉस भी है, ऊपर नूडल्स होते हैं, बीच चावल है, बारबेक्यू वेजिटेबल्स, बहुत ही टेम्प्टिंग लग रहा है देखने में। दाल रिकमेंडेड थी इब्राहिम भाई की, बिरयानी फरमाइश थी मुस्तफ़ा भाई की, और सिंगापुरियन राइस हमें रिकमेंड किए रेस्टोरेंट वालों ने, और मैं यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए आया था। और तीनों चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं, सिंगापुरियन राइस भी अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन इब्राहिम भाई जो दाल है वो नंबर वन है। नंबर टू? नंबर टू बिरयानी, नंबर थ्री सिंगापुरियन, क्योंकि बिरयानी अपनी अपनी है ना, बिरयानी में उसको तीसरे नंबर पे रख नहीं रख नहीं सकते उसको। बहुत आला, ज़बरदस्त, मज़ा आया। ओके भाई, तो खाना खा के हम आ चुके हैं वापस हरम की तरफ, और खाना बहुत ही मज़ेदार था। इसी के साथ आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम हुआ। मुस्तफ़ा भाई जज़ाकअल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के, आपने वक्त दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ मुलाकात का सिलसिला भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।